हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 4 साल के बच्चे की स्कर्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, तो मैंने ये वर्धमान की ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं पहले ब्लैक कलर से फंदे डालूँगी और ये सिंगल धागे से फंदे डालने हैं। ये हमने 64 फंदे डालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 64 फंदे डाले हुए हैं। मैं इसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगे। ये देखिए, सीधी तरफ से हमारी एक लाइन हो गई है उल्टी उल्टी। अब मैं रॉन्ग साइड से दूसरा कलर लगाऊंगी। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाया जाएगा। इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा। तो मैं इतना बना के दिखा। ये देखिए, ये रेड वाला हमारा कंप्लीट हो गया कलर। एक उल्टी तरफ से लगाई थी हमने ऊन और एक हमने सीधी तरफ से सिलाई बुन दी है, तो हमारी ये एक लाइन मानी जाएगी। सीधी तरफ से एक लाइन मानी जाएगी। उल्टे उल्टे जो उभरे उभरे से होते हैं फंदे, वो हमारा एक लाइन मानी जाएगी। अब हमने इसी तरह एक ब्लैक, एक रेड, फिर ब्लैक और फिर रेड, इस तरह हमने आगे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 रेड और 2 ब्लैक की बना ली है और तीसरी ब्लैक की यहाँ पर आ गई है। तो अब हमने आगे क्या करना है, अब रेड कलर लगाना है। और देखिए, पूरा उल्टा उल्टा बना के ले जाऊँगी। ये देखिए, ब्लैक हमने यहाँ तक बना लिया है और ये अब हमने रेड के 8 फंदे यहाँ से छोड़ने हैं। अब
मतलब रॉन्ग साइड से। दो चार छः आठ, आठ फंदे छोड़ के हमने यहाँ से ही टर्न करना है और ब्लैक वाले फंदे हमने बुन लेने हैं। ये देखिए पहले हमने आठ फंदे रेड के छोड़े थे, अब मैं यहाँ से ये ब्लैक यहाँ से हमने पूरी कर ली है, अब यहाँ से रेड बना के लाऊंगी यहाँ तक, यानी कि आठ फंदे छोड़ के अब हमने रेड बनानी है। तो हमने ब्लैक के आठ फंदे छोड़ने हैं। अब देखिए यहाँ से आठ फंदे छोड़ दिए, चार चार आठ, या हम यहाँ से पलट के हमने रेड वाले बुन लेने हैं उल्टी सिलाई इस तरह से। आप इधर से ब्लैक कलर लगाना है। इस बार हमने रेड के आठ फंदे छोड़ने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सारे फंदे दो कलर में आठ आठ फंदे करके हमने सारे फंदे बना लिए हैं। अब देखना इसी तरह हमने वापस जाना है कि जो हमारे आठ फंदे पहले ब्लैक आते हैं तो हमने पहले ब्लैक बुन के वापस आना है। इस तरह से हमने यहाँ से ही वापस इसको बुन लेना है ब्लैक फंदों को। अब रेड कलर लगाना है। और रेड के आठ फंदे बुन के वापस आना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अब ब्लैक बुनने हैं, फिर रेड बुनने हैं, फिर ब्लैक बुनने हैं। इसी तरह हमें सारे फंदे कंप्लीट करने हैं बना के। अब हमने ब्लैक बनाने हैं।
ब्लैक सिलाई को ब्लैक से जोड़ना है, रेड सिलाई रेड से जोड़ना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए सारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। अब ये लास्ट हमारा रेड वाली लाइन आएगी, उसके बाद फिर हमने इसी तरह सिंगल सिंगल लाइनें डालनी है। तो ये हमारा स्कर्ट का घेर हो गया और ये कमर पे। तो मैं आगे बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना पोर्शन बना लिया है। अब हमने दो लाइनें यहाँ पर शुरू में डाली थी रेड कलर की, यहाँ पर हमने चार लाइनें डालनी है। पहले ब्लैक रेड इस तरह से रेड की हमने चार बनानी है, चार लाइनें इस तरह। फिर हमने ये वाला डिजाइन बनाना है। तो इसी तरह हमें बार बार रिपीट करना है। ये दो हमने इसलिए डाली हैं कि लास्ट में जो दो डालेंगे तो यहाँ पर जॉइंट होके चार लाइनें हमारी ये बन जाएंगी। यहाँ पर जॉइंट आएगा तो पूरा बना के जब हम लाएंगे तो यहाँ पर जॉइंट आएगा, एक जॉइंट आएगा, बाकी हमने दूसरी तरफ नहीं बनाना है, सीधा पूरा एक साथ बनाना है। तो इस तरह से हमारी ये दो लाइनें और आ जाएंगी लास्ट वाली। तो इस तरह यहाँ पे चार हो जाएंगी और इसके बाद हमने डिजाइन के बाद चार लाइनें ये रेड की बनानी है। तो इसी तरह हमें बार बार रिपीट करते हुए इस स्कर्ट को हमने पूरा करना है। आपको जितना घेर रखना हो आप उतना बना सकते हैं। मैं आपको फिर बना के दिखाती हूँ। आपने यहाँ पर अगर बढ़ानी है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो हमारा आप स्कर्ट देख के आप उससे अंदाज़ा लगा लें, उस हिसाब से आप बनाएं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसमें कितना घेर बनेगा। इतनी लाइनें डालने के बाद कितना घेर बनेगा मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इतना घेर बन चुका है। ये देखिए यहाँ से ये इतना। मैं आपको एक बार फिर ये डालकर दिखाती हूँ, ये चीज़ फिर एक बार बनाकर दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये हमने ब्लैक सिलाई बना ली है। ये हमने चार लाइनें बनानी थी, एक दो तीन चार इसके डिजाइन के बाद। तो ये हमारी चार लाइनें बन चुकी हैं। अब मैं रेड कलर से शुरू करूंगी। ये मैं दोनों तरफ से बनाकर लाऊंगी रेड कलर की, उल्टी और फिर सीधी।
और दोनों तरफ से ही उल्टा बनाना है। तो मैं बना कर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए रेड लाइन हमारी बन गई है दोनों तरफ से। अब मैं ब्लैक बनाऊंगी। ये देखिए अब ब्लैक जो हम धागा इधर बुन के आए हैं, ये देखिए अब हमने ये रेड के 8 फंदे छोड़ देने हैं। 8 फंदे छोड़ के यहाँ से ही हमने पलट के बनाना है ब्लैक को इस तरह से। 8 फंदे छोड़ के रेड के और ब्लैक से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये सीधी साइड से है, रॉन्ग साइड से हमने कलर लगाया और सीधी तरफ से हम एक लाइन बना लेंगे। ये देखिए 8 फंदे छोड़ के ब्लैक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर हमने रेड कलर लगाना है। अब देखिए रेड से बुनते हुए ब्लैक के हमने 8 फंदे छोड़ने हैं, 2, 4, 6, 8, और यहाँ से ही हमने पलट के रेड कलर को बना लेना है। सारे फंदे रेड कलर के बना लेने हैं। अब देखिए रेड कंप्लीट हो गया। अब फिर हमने ब्लैक से लगाना है। फिर हमने यहाँ तक बुनना है 8 फंदे छोड़ के ब्लैक कलर से। इतने फंदे बनाने हैं, 8 फंदे रेड के छोड़ के। तो इसी तरह हमें सारे फंदे कंप्लीट करने हैं। ये देखिए अब हमने रेड के छोड़ के और ब्लैक से इस तरह सिलाई को पलट के सारे फंदे ब्लैक से कंप्लीट करने हैं उल्टे उल्टे बनाकर। ये देखिए रेड ब्लैक अब आगे आएंगे। इसी तरह सारे फंदे हमने 8 फंदे छोड़ते हुए सभी फंदों को बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए रेड ब्लैक लास्ट में हमारे ब्लैक 8 फंदे आते हैं। तो अब आगे क्या करना है, ये देखिए हमने ब्लैक से ही 8 फंदे बनाने हैं। आठ फंदे बना लिए। अब हमने यहाँ से ही टर्न करना है, धागा आगे लाना है और यहाँ से हमने पहला फंदा उतार लेना है जिससे कि बहुत बड़ी जाली ना आए। ये देखिए इस तरह से, और ये 8 फंदे हमने बना लेने हैं। पहला हमने उतार लिया और 7 फंदे बुन लिए। अब हमने रेड कलर से बनाना है रेड फंदों तक, यानी कि 8 ब्लैक और 8 रेड।
ये देखिए 8 फंदे हमारे रेड हो गए हैं। अब हमने यहाँ से ही टर्न करना है और धागा आगे करके पहला फंदा उतार लेना है और फिर हमने सारे फंदे रेड से बुनने हैं। अब हमने फिर ब्लैक से बनाने हैं, ब्लैक फंदों तक यहाँ तक बनाना है। अब फिर हमने यहाँ से पलटना है इस तरह से, पहला फंदा उतार लिया, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। ये देखिए ब्लैक रेड फिर ब्लैक, अब रेड बनाएंगे हम तो ये वाले 8 फंदे बुनूंगे। ये देखिए अभी रेड वाले बनाऊंगे और यहाँ से सिलाई को पलट लूँगे। इस तरह से फिर पहला फंदा उतार लूँगी, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगे। तो इसी तरह हमें ये बाकी भी हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए सभी फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से, देखिए। अब हमने यहाँ पर दो ब्लैक और दो रेड लाइनें बनानी हैं जैसी इधर बनाई थी, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, और इस पर हमने बंद कर देना है, सभी फंदों को वाइंड ऑफ कर देना है। अब मैं ये 4 लाइनें बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए डिजाइन के बाद हमारी 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, 1 2 3 4। अब मैं इन सभी फंदों को वाइंड अप करूँगी ब्लैक कलर से, रेड कलर को यहाँ से हम निकाल देंगे।
अब मैं इसको बुनूंगी नहीं ब्लैक कर से, सिर्फ बंद करना है, क्योंकि जब हम सिलेंगे तो इसकी ये देखिए इस तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी, नहीं तो अगर हम ब्लैक बनाएंगे तो यहाँ पर चौड़ी लाइन ब्लैक की आएगी। तो इस तरह से हम ब्लैक से फंदे सारे बंद कर दूंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी चार लाइनें आ जाएंगी, तो जॉइंट का पता नहीं चलेगा। ये देखिए तो मैं ब्लैक से बंद करती हूँ इस तरह से। टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज रखना है। देखिए फ्रेंड्स सभी फंदे हमने वाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, ये जो कमर का पोर्शन है अब हमने यहाँ फंदे उठाने हैं पट्टी बनाने के लिए। ये देखिए ये देखिए इस तरह से ये जो हमारी चेन आ रही है ये देखिए ये, तो यहाँ से हर चेन में से हमने एक एक फंदा उठाना है। तो देखिए तो हम ये ऊन तोड़ेंगे नहीं, हम इसी से फंदे उठा लेंगे। इस तरह से हर चैन में से एक एक फंदा लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने सभी फंदे उठा लिए हैं, हर चैन में से मैंने एक फंदा लिया है, 110 फंदे हमारे बनते हैं। तो हमने ये सीधा सीधा बनाना है और देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने बेल्ट की 2 इंच की चौड़ाई रखनी है, यानी कि 4 इंच हमने सीधा सीधा बनाना है, क्योंकि हमने डबल पट्टी बनानी है तो इसलिए हमने 4 इंच बनाना है। तो हमारी जैकेट की टोटल लंबाई ये देखिए 2 इंच ये, और ये देखिए 13 इंच हमारी पूरी टोटल 13.5 इंच बैठती है टोटल लंबाई स्कर्ट की। तो इस तरह हमने सीधा सीधा इसको बुनना है और फिर फोल्ड करके डबल करना है इसको। इस तरह सीधा सीधा बना के 4 इंच की हमने चौड़ाई बना लेनी है।
आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इतने फंदे हमने बच्चे के हिसाब से रखे हैं। अगर बच्चा थोड़े सेहत में है तो बेल्ट उसी हिसाब से होनी चाहिए, अगर पतला है तो आपको उसी हिसाब से रखने हैं फंदे। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मतलब, या आप लास्टिक डाल सकते हैं तो लास्टिक डालिए, नहीं तो आगे इसमें हमने बेल्ट भी लगानी है। और इसीलिए हमने घेर भी इसका ज़्यादा रखा हुआ है। ये देखिए मैंने 10 बार ये कलियाँ डाली हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमने 10 बार डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फंदे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको ये बड़ा या छोटा लगे तो आप इसको भी कम ज़्यादा फंदों में कर सकते हैं। हमने 8 फंदे लिए हैं, आप 6 भी कर सकते हैं, बढ़ाना है तो आप 10 भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। ये हमने 4 साल के बच्चे की बनाई है, सेहत के हिसाब से उसका थोड़ा सेहत अच्छी है, आप अपने अनुसार बनाइए। तो मैं ये पट्टी बनाकर दिखाती हूँ आपको, बाद में इसमें बेल्ट भी बनानी है वो भी दिखाऊंगी। इसी तरह सीधा बनाना है, रॉन्ग साइड से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बेल्ट, कमर की बेल्ट बन गई है। ये देखिए मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, ये देखिए 4 इंच के हमने, ये देखिए एकदम 4 इंच की बेल्ट बनाई है ये। अब ये फोल्ड करके 2 इंच की रह जाएगी, तो मैं आपको ये फोल्ड करके दिखाती हूँ। आप सिले नहीं इसको, सिलने से क्या है कि पहनने में टाइट हो सकती है बच्चे को, तो इसलिए आपको इस तरह से जोड़ना होगा, या तो आप पूरे फंदे एक सिलाई में एक साथ भर लीजिए, जितने हमारे ऊपर हैं यहाँ पर हैं, यहाँ से आप एक साथ उठा लें, या फिर आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ से जोड़कर दिखाती हूँ। पहले हम पहला फंदा यहाँ से लेंगे और फिर एक यहाँ से लेंगे इस तरह से, और 2 का 1 करेंगे। तो शुरू में हमारा ये 2 का 1 होता है, इसके बाद अब हमारा एक फंदा ये बन गया है, और एक यहाँ से लेंगे और एक बार यहाँ से लेंगे, तो इस तरह आगे 3 का 1 करना है। इस तरह से अब फिर हम यहाँ से लेंगे, ये जो हमारी लाइन आ रही है चैन वाली, तो इस तरह से हम, और एक फंदा सिलाई का ऐसे, फिर यहाँ से उठाएंगे। आप चाहें तो दोनों इस तरह से उठा लें, क्योंकि ये चेन है, और या फिर सिंगल लेकर इसको जोड़ दें, 3 का 1 कर दें। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमारा ये डबल बॉर्डर बन जाएगा जुड़ने के बाद, या फिर आप यहाँ से सिलाई में इस तरह से
उठा सकते हैं फंदे, आप चाहे ये वाले उठा लें यहाँ से या पहली लाइन से यहाँ से इस तरह से ऐसे इस तरह आप एक सिलाई में भर लीजिए, फिर उधर से आप बंद करते आइए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये चैन है हमारी जो हमने ऊपर कमर पे इस तरह से बनाई थी, जैसे ये आया हमारे देखिए नीचे का पोर्शन है, तो ये डबल आपको लग रहा है तो आप इसको चार मत समझिए, तीन ही फंदे हैं, एक ये एक सिलाई का और एक ये एक्स्ट्रा जिससे हमें बंद करना है। ये देखिए आप चाहे यहाँ से सिंगल भी ले सकते हैं, इस तरह से पूरी चैन ना लेके सिंगल ले लीजिए ऐसे, और फिर तीन का एक कर दीजिए। ये देखिए इसी तरह हमें सभी फंदे बंद करने हैं। फिर तीन का एक, फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सिलाई का हो गया, तीन का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर डबल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो मैं आपको पूरा बंद करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं। ये देखिए अब मैं आपको सिल के दिखाऊंगी, सिलाई के लिए इसमें से धागा काट के और फिर सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए इसको हमने एक साथ नहीं सिलना है, ये जो दो ऐसे है फोल्ड वाला, तो इसको हमने अलग अलग करके सिलना है। इस तरह से पहले हमने दोनों अंदर के पोर्शन लेने हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमने कर लिया है, देखिए ये हमारा राइट साइड है, तो हमने ये पहले ये वाले अंदर वाले दोनों एक साथ सिलने। ये देखिए इस तरह से
फिर इस तरह से इसको हमने ऐसे गोलाई में सिलना है। अब हम इसको इस तरह से सिलेंगे। ऊपर वाले पोर्शन को इस तरह से ये देखिए बिल्कुल जुड़ा नहीं है। ये देखिए इस तरह से अलग अलग करके सिलना है। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप देखिए इसको, ये वाला हमने जो है ये यहाँ से हमने फंदे उतारे थे तो इसको हमने कम लेना है, और इसको जो फंदे हमने डाले थे तो इसको हमने अच्छे से सिलना है जिससे कि हमारी सीधी तरफ एक ही लाइन आए। तो हम इसको इस चैन को पूरा ले लेंगे क्योंकि हमने ये काले रंग से उतारा था फंदे सारे, तो एक चैन सी बनी थी, इसी चैन से हमने पूरी इसको लेना है और इधर जो फंदे डाले थे उसके साथ सिलना है। देखिए अभी हमारा ये सिल के भी तैयार हो गया है। ये देखिए जॉइंट का पता भी नहीं चल रहा, एकदम मिक्स हो गया है। तो आप इसी तरह बनाएं। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट कैसे बनानी है। इसमें हमने दो बेल्टें बनानी है। आप इसको दो पोर्शन में भी बना सकते हैं, एक जॉइंट इधर आएगा और एक जॉइंट इधर आएगा, तो आप दो पोर्शन में भी बना सकते हैं अलग अलग। ये देखिए कमर पर भी कितनी स्ट्रेचेबल है। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इलास्टिक नहीं डालनी है और बेल्ट बनानी है। तो मैं बताती हूँ आपको बेल्ट कैसे बनानी है। ये देखिए
ये मैं यहाँ से बैक साइड से फंदे उठाऊंगी, यानी कि पीछे के पल्ले से इतनी इतनी दूरी पर उठाऊंगी, 16 फंदे यहाँ पर उठाऊंगी, 16 फंदे यहाँ पर उठाऊंगी। इस तरह से गांठ लगा दूंगी। यहां से मैं 16 फंदे उठा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 16 फंदे उठा लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 16, ये मैंने 16 फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए कैसे बुनना है इसको। इसको हमने डबल पट्टी बनानी है, यानी कि डबल बनाना है, जैसे हम ग्लव्स बनाते हैं। तो पहला फंदा हमने बुन लिया उल्टा, धागा घुमाएंगे और इसको उतार लेंगे फंदे को बिना बुने। फिर आगे धागा करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा उतार लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा उतार लेंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसी तरह धागा पीछे करके फिर एक फंदा उतार लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदे को उतार लेंगे बिना बुना, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा उतार के फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदा उतार लेंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर धागा पीछे करके लास्ट का फिर हमने उतार लिया। ये देखिए, तो इसी तरह हमने इधर से करना है, जो हमने उतारा था उसको हमने इस तरह से उल्टा बनाना है ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये जो बुना था हमने इधर से वो इधर से हमने सीधा उतारना है इस तरह से, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके जो हमने इधर से उल्टा बनाया था वो इधर हमारा सीधा आता है, तो हमने इसको उतार लेना है, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके इसको उतारना है, फिर आगे धागा करके उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करके एक फंदा उतारना है। आप थोड़ा सा बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बुना हुआ है कौन सा नहीं, और दोनों तरफ से सेम बनाना है, उल्टा उल्टा बनाना है और सीधा सीधा उतारना है इस तरह से। जो हम इधर उल्टा बनाएंगे वो इधर सीधा आएगा, तो हमने इधर से सीधा फंदा उतारना है। ये देखिए, इसी तरह हमें दोनों तरफ से पट्टी बनानी है। आप चाहें तो अलग से 16 फंदे डाल के भी पट्टी बना सकती हैं, तो आप इसमें सिल दे सकते हैं, या फिर इसमें फंदे उठा के आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखिए, इधर से हमने ये लास्ट का फंदा उतार लिया था, तो इधर से हम उल्टा बनाएंगे इसको। ये देखिए, फिर धागा घुमाएंगे और जो इधर से हमने उल्टा बनाया था वो इधर सीधा आता है,
तो इसको हमने उतार लेना है। फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा उतार लेंगे। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी पट्टी बना सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये जो डबल हम बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब खिंचती नहीं है, लूज नहीं होगी आपकी पट्टी। तो आपको जितनी लंबी रखनी है आप इसी तरह बना लीजिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा उतार के एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा उतार लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके लास्ट का उतार लिया। तो जो हमने उतारा है वो इधर से बनाएंगे और जो इधर उतारेंगे वो इधर से बनाएंगे, दोनों तरफ से सेम ही बनाना है तो हमारी पट्टी डबल बनेगी। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ। और ये पट्टी टोटल 18 इंच की बनानी है, बाकी आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पट्टी बनानी है। तो हमने ये 18 इंच की बनानी है, आपको जितनी कम ज़्यादा करनी हो आप कर सकते हैं। देखिए हमारी इस तरह से ये डबल पट्टी बनेगी इस तरह से, तो देखने में भी अच्छी लगती है और ये ज़्यादा लूज भी नहीं होती है। तो इस तरह से आप इतनी दूरी पे, जैसे ये हमारा कमर का एक पहला जॉइंट है, आप चाहें तो दोनों तरफ से भी दो पल्लों में बना सकते हैं, तो इधर भी जॉइंट आएगा आपका। तो मैंने जॉइंट से इतनी दूर लिया हुआ है, यहाँ से इतनी दूर, यहाँ से ये फंदे लिए हुए हैं 16 फंदे। तो अब हमारा यहाँ पर आता है ये, तो यहाँ से फंदे उठाने हैं हमने, यहाँ से उठाने हैं 16 फंदे, यहाँ तक आएंगे और बीच में हमारा इतना गैप आएगा। ये देखिए दोनों बेल्टों के बीच में इतना गैप आएगा। तो इस तरह से हमने ये पट्टी डबल बनानी है, तो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। और ये देखिए घेर भी मैं बद्दी दिखा दूँ आपको, मैंने कितना रखा हुआ है, हमने 10 डिजाइन की पट्टियाँ डाली हुई हैं, यानी कि 10 कलियाँ डाली हुई हैं। ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारा जॉइंट है। तो ये हमने 10 जगह डाली हुई हैं, तो इसका घेर इतना बनता है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, ये देखिए आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए 23, 23.5 अगर हम खींच के नापेंगे, आराम से नापिए तो 23 इंच बैठता है। ये देखिए 23 इंच बैठता है। तो आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, जैसे ये धारियाँ बढ़ा लीजिए, अगर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो आप इनमें से 4 की जगह 3 भी कर सकते हैं, तो आपका घेर कम हो जाएगा। और लंबाई मैंने आपको बता दी है, देखिए एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कितनी लंबाई है इसकी।
ये देखिए 14 इंच लंबाई है इसकी। ये 4 साल के बच्चे की है, अगर आप बड़ा बनाने चाहते हैं तो आप उस हिसाब से फंदे रखिए, क्योंकि यहाँ फंदे यहाँ से ये डालने हैं तो हमने यहाँ फंदे बढ़ाने हैं शुरू में ही। ये हमने 64 फंदे रखे हुए हैं, और आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा फंदे रख के बनाइए। मैं इसकी पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इस पर कढ़ाई भी की हुई है। आप इस पर मोती लगाना चाहे मोती लगाएं, कढ़ाई करनी है प्लेन रख या प्लेन भी रख सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो अब मैं इसमें ये मैंने बटन लगा दिए हैं, तो इस तरह से हमने इसको ऐसे बनाना है। तो मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ। इस तरह से डबल धागा लूँगी और ऐसे इस तरह से बटन के हिसाब से इसको हम बना लेंगे। जितना बड़ा बटन हो उतनी ही हमने इसमें चैन बनाकर इसको गोल बनाना है। ये देखिए, इतना हमने बना लिया है। अब इस धागे को हम काट देंगे। और इसको हमने यहाँ पर ही बांध देना है। तरह से और इस धागे को हमने अंदर पट्टी के अंदर कर देंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी बटन की लुप्पी बन गई है। इसको हम लुप्पी बोल सकते हैं, इस तरह से बटन में पिरोने के लिए। ये देखिए, तो हमारी ये स्कर्ट बनके तैयार है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, हम बच्चों को इस तरह से पहनाएंगे। पीछे क्रॉस करके इस तरह से, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, बहुत सुंदर लगेगी।